प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग धात्री रसायन के बारे में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो धात्री रसायन आप लोगों ने भी प्रयोग किया है। धात्री का मतलब है कि जो माँ रहती, माँ, उसको हम लोग संस्कृत में धात्री बोलते हैं। और पहले के जमाने में आप लोगों ने कौमारभृत्य में भी पढ़ा है कि धात्री का कितना ज्यादा महत्व रहता था। तो धात्री ना हरिद्की को भी बोलते हैं, आंवला को भी बोलते हैं। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं धात्री रसायन, यह आमलकी से बना हुआ, आंवला से बना हुआ रसायन है, और जो आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। मैं कुछ लोगों को यहाँ पे को-होस्ट बना देता हूँ, और आइए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। फिर आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताइएगा कि धात्री रसायन का प्रयोग आप लोगों ने कब, कहाँ, कैसे किया है, और आप लोगों का क्या अनुभव है। सब लोग अपना अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करिएगा। तो 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। धात्री रसायन जो है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वृद्ध वैद्य लोगों का जो पुस्तक है उसमें से लिया गया है। तो इसमें आमलकी जो है, आमलकी या आंवला जो है, ये 10 kg लिया है। और फिर जो येल्लो पम्पकिन होता है वो 10 kg लिया है। येल्लो पम्पकिन ले लिया, या लाल भोपला जिससे पेठा का मिठाई बनता है, लेकिन ये ज्यादातर येल्लो पम्पकिन लिया जाता है। फिर मनुक्का जो है वो 2 किलो लिया है। घी जो है वो 2 किलो लिया है। चीनी 20 किलो लिया है। फिर कुछ प्रक्षेप द्रव्य है जो ऊपर से हम डालते हैं धात्री रसायन बनाने के बाद, तो उसमें दालचीनी, फिर ये सारे 20 20 ग्राम में लेना है। दालचीनी हो गया, जायफल हो गया, जायपत्री हो गया, फिर असली वाला वंश लोचन, इलायची, तमालपत्र, लवंग, मुस्ता, वंग भस्म, प्रवाल भस्म, प्रवाल भस्म लिया है, या पिष्टी ले सकते हैं, मौक्तिक भस्म और चंदन का चूर्ण, ये सारा 20 ग्राम। अगर आप इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालना चाहते हैं तो सोडियम बेंजोएट 120 ग्राम, साइट्रिक एसिड 40 ग्राम, और इसमें स्वर्ण वर्क का पत्र रहता है वो 40 नग, इतना मात्रा में लेना है। पानी जितना लगेगा उतना पानी लेना है। सबसे पहले क्या करना है धात्री रसायन बनाने के लिए, वृद्ध वैद्य लोगों ने जो बताया है, ये मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा। इसमें सबसे पहले आंवला को स्वच्छ करना है, स्वच्छ करके धो देना है, फिर पानी लेना है, और जिस तरह से हम च्यवनप्राश बनाने के टाइम पे कपड़े पे डाल के पोटली जैसा बना के और हम लोग बॉईल करते हैं, उसी तरह से इसको बॉईल करना है। या तो आप कपड़े में पोटली बना के करिए बॉईल, या ऐसे बॉईल करिए, मतलब हमें आंवला को बॉईल करना है। और जो च्यवनप्राश बनाते टाइम आजकल कपड़े का पोटली डाल के बनाया जाता है, वो इसलिए कि आंवला जल ना जाए, मतलब अच्छे से वह तल पे ना लगे जिस पात्र में हम लोग बना रहे हैं, इस तरह से आंवला का हम बॉईल करना है। उसके बाद क्या करना है कि फिर जो ये कोहड़ा होता है, येल्लो पम्पकिन होता है, उसके ना उसको काट देना है और उसका छाल और बीज निकाल देना है, फिर उसको खिस देना है पूरा। उसके बाद क्या करना है कि घी पे उसको फ्राई कर देना है, घी डाल के, और जितना आंवला पक गया है वो देखना है, और उसके बाद में जो आंवला बॉइल्ड हो गया है उसको दबा दबा के, और जो उसका पल्प है वो अलग करना है, बीज अलग करना है, पल्प को ले लेना है, और गरम गरम जो है उसका बीज निकाल के मिक्सी में पीस देना है। मिक्सी में पीसिए या फिर खलबत्ता में पीसिए, ओखली में पीसिए, उसको चटनी की तरह कल्क बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि बीज निकाल देंगे हम लोगों ने, और वो उसके बाद में जो आंवले का जो पल्प है वो ले लिया, और जो हमने येल्लो पम्पकिन है, येल्लो पम्पकिन का जो घी में फ्राई किया है और आंवला, इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद में पानी डाल के, नहीं सॉरी, चीनी का पाक बनाना है, साखर पाक जो बोलते हैं, चीनी का पाक बनाना है, जिसमें दो तार है, दो तार या एक तार वाला ज्यादा अच्छा रहता है, गाढ़ा गाढ़ा चीनी का पाक बना के, और इसमें ये सारा डाल के और फिर घोटते जाना है। घोटते जाते टाइम कोई लोग क्या करते हैं कि सोडियम बेंजोएट 120 ग्राम, साइट्रिक एसिड 40 ग्राम, ये डाल देते हैं, मतलब प्रिजर्वेटिव के रूप में। आप लोगों को अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में जब ये पाक हो जाता है, तो फिर उसके बाद में एक साइड में मनुक्का जो होता है, वो घी में जो किशमिश होता है मनुक्का, किशमिश पहले उसको ना पीस देना है मनुक्का को, और किशमिश को पीस के और घी पे उसको फ्राई कर देना है। उसके बाद में ये जो हमारा कोहड़ा है, येलो पम्पकिन, आंवला है, और ये मनुक्का है, इन सबको मिक्स कर देना है, और मिक्स करके अवलेह जैसा बना देना है। फिर उसको स्वांक्षित होने के लिए, स्वांक्षित मतलब अपने आप ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद में जो प्रक्षेप द्रव्य है, जैसे दालचीनी है, सब 20 20 ग्राम के मात्रा में, दालचीनी, जायफल, जायपत्री,
असली वंश लोचन, इलायची, तमाल पत्र, लवंग, मुस्ता, भंग भस्म, प्रवाल पिष्टी, मौक्तिक भस्म और चंदन का चूर्ण, इन सबको पूरी तरह से कूट पीट के, और स्वर्ण वर्क का जो एक एक पत्र रहता है उसको भी कूट कूट के, 40 स्वर्ण के जो वर्क रहते हैं पत्र, वो कूट कूट के डाल देना है, और फिर यह धात्री रसायन में मिक्स करना है। इसको टिकाए रखने के लिए लोग सोडियम बेंजोएट डालते हैं, जिससे वो बहुत ही अच्छा से उसका मतलब गुणवत्ता बढ़ती है, और वो प्रिजर्वेटिव के रूप में रखा जाता है। अगर आप लोग तुरंत यूज करके जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। इसके लिए स्पेशल ये देखना है कि आंवला जो है वो उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, और 30 ग्राम वजन का एक आंवला हो, इतना बड़ा होना चाहिए, और आंवला पे रेशे रेशे ज्यादा ना हो, ये देखना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो कोहड़ा येलो पम्पकिन हम लोग ले रहे हैं, कुछ लोग येलो पम्पकिन से बनाते हैं, कुछ लोग रेड लाल भोपला जिसे ये बनता है पेठे का मिठाई बनता है, आगरा का पेठा लाल भोपला का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग येलो पम्पकिन करते हैं, दोनों चीज सही है। और इसमें हमें ये देखना है कि अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, और मनुका भी है वो अच्छा क्वालिटी का यूज होना चाहिए। तो ये धात्री रसायन जो है ना, ये वातनाशक है, पित्त का शमन करता है, प्राकृत कफ का वर्धन करता है, जहां पर भी श्लेष्मा कफ, बोधक कफ, क्लेदक कफ, तर्पक कफ, अवलंबक कफ, जहां कफ कम हो गया है यह प्राकृत कफ को बढ़ा देता है, नॉर्मल करता है। और यह धात्री रसायन है, इसका नाम यह धात्री रसायन, धात्री मतलब माँ, तो माँ की तरह यह रसायन का कार्य करता है, मतलब रसायन का मतलब ये पोषण करता है, रक्षा करता है। और आंवला से बनाए तो आंवला तो सर्वश्रेष्ठ रसायन बताए, तो ये सभी धातुओं पर, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सभी पे काम करता है, और मलों पे, मल मूत्र और स्वेद पसीना, मल और मूत्र इन सब पे भी बहुत अच्छा उसको दोष रहित करने में बहुत सहायता करता है। इसी तरह से शरीर का सारे अवयव हैं, आंख है, कान है, नाक है, मस्तिष्क है, हृदय है, यकृत है, प्लिया है, पैंक्रियाज है, किडनीज है, प्रोस्टेट है, मतलब हर ऑर्गन को यह प्राकृत अवस्था में रखने में, क्योंकि यह वय स्थापन गढ़ में है, आयु को स्थापित करके रखता है, ऐसे अवस्था में रखने के लिए इसका मतलब विशेष रोल रहता है, इसलिए ये सभी अवयवों पे, सभी स्रोतों में सम्यक रूप से पोषण करता है। उसी तरह से रस रक्तादि सारे धातुओं के स्रोतों का वय के अनुसार जितना हमें वृद्धि करना है, जैसे स्त्रियों में गर्भाशय का वृद्धि करना है आर्तव स्रोत, पुरुषों में शुक्रवय स्रोत, जितना जैसा करना है ग्रोथ वैसा वो करता है। और ये धात्री रसायन कभी भी आमावस्था में नहीं देना है, वहां पे हम रसायन का प्रयोग करते हैं तो चरक के रसायन अध्याय में बोला है हरित के नाम चय चूर्णा नाम, मतलब कोष्ठ की शुद्धि करके ही रसायन का सेवन करना है, तो और अग्नि को बढ़ा के दीपन पाचन कार्य करके ही देना है, तो ये निरामावस्था में भी बहुत बढ़िया काम करता है। जब हम निरामावस्था में देते हैं आम जब नहीं है, तो ये अग्नि का वर्धन बाद में बहुत अच्छे से कर देता है। और मानवीय शरीर के लिए जितना भी शारीरिक बौद्धिक बल जो चाहिए, और शरीर में अर्धांजलि ओज रहता है, 8 बिंदु ओज कहाँ रहता है, हृदय में रहता है, और अर्धांजलि कहाँ रहता है, तो पूरा शरीर में ओज रहता है, तो ये ओज को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बढ़ाता है। और आंवला जो है ना, वह हर व्याधि में, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, असाध्य से असाध्य व्याधियों को अगर साध्य करना है तो आंवला जो है वो ओज बढ़ाता है। ओज का मतलब है कि हमारे एक तरह से धातुओं का सार भाग है, और यह इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, मॉडर्न की भाषा में IgG IgM इम्यूनोग्लोबुलिन जो रहते हैं उसको ये बढ़ा देता है। उसी तरह से दो जो धात्री रसायन है, यह हमने चीनी के पाक में बनाया, तो यह मधुर रसात्मक है, शीत विरात्मक है, और मधुर विपाकी है, मतलब पेट में जाके मीठा बन जाता है, तो ये ब्रिहण करता है, बल देता है, धातुओं का पोषण करता है। आजकल आप लोग टीवी का एड देखते होंगे तो वहां पे बोलते हैं कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो बॉर्नविटा खिलाते हैं, हॉर्लिक्स खिलाते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए, कॉर्नफ्लेक्स ये वो, तो पहले के जमाने में हमारे जो आचार्य थे वो लोग ये रसायन खिलाते थे, तो हमें ऐसे केमिकली सिंथेटिक कोई भी सोयाबीन का पाउडर, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन एक्स, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि नेचुरल वे में जड़ी बूटियां इतनी दिव्य औषधियां हैं, वो हमारे सारा न्यूट्रिएंट्स को टिकाए रखती थी। और पहले के जमाने में ऋषि मुनि 5-5, 6-6 हजार साल तक जीते थे, कोई कोई 10-10 हजार साल तक जीते थे, तो उसका यही कारण था कि वो आंवला का सेवन करते थे। उसी तरह से 5 महाभूत के जो आकाश, आकाश महाभूत हो गया, वायु महाभूत हो गया, आकाश वायु अग्नि तेज आप पृथ्वी, ये सारे जो हैं इनके प्राकृत कार्य को सुधार देता है, मतलब भूताग्नि लेवल तक ये काम करता है, और पंच महाभूत,
पंचमहाभूत का कार्य जो रहता है उसको ये बहुत बढ़िया कर देता है। पृथ्वी और जल तत्व का या जितना भी पोषण शरीर को चाहिए उसको ये प्राकृत कर देता है। ओज को अच्छा रखता है। 13 टाइप की जो अग्नि है, जठराग्नि, सप्त धातु अग्नि, पांच भूताग्नि, उनको प्राकृत रख देता है। और जो धात्री रसायन का सेवन करने से भी होता है कि जो लोग मोटे हैं, ओबेसिटी है, उनका ये मेद को कम कर देता है। तो ऐसा कभी भी ये मत सोचिएगा कि धात्री रसायन का सेवन करने से वेट पुटन होगा। वेट पुटन उनका होगा जो कुरुष हैं, जो मोटे हैं, उनको ये प्राकृत कफ को टिकाए रखे, बाकी जो फालतू कफ है उसको ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और ये वायु और आकाश तत्व का वर्धन कर देता है। वायु आकाश तत्व जहां जहां स्रोतस में अवरोध है, अवरोधात्मक संप्राप्ति को भंग कर देता है। चरक संहिता में तो धात्री रसायन का कालानुरूप बहुत सारा बताया है कि ऐसा ऐसा फायदा होता है। अनुभविक यह है कि इससे बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है, चीर काल तक तारुण्य अवस्था रहती है, मतलब लोग ना यंग दिखते हैं। मेरे पास एक जैन मुनि आए थे, वो 96 ईयर्स के हैं और तब भी वो इतने यंग दिखते हैं। तो उनका मैंने पूछा कि आप क्या खाते हैं, तो उन्होंने कहा था मैं धात्री रसायन खाता हूँ। और उन्होंने मैंने पूछा कि धात्री रसायन कैसे, तो बोले कि हमारे जैन धर्म में जो उनके जो गुरु हैं, आचार्य मुनि लोग हैं, वो लोग ना इनका प्रयोग कराते हैं अपने जो लोग साधु लोग हैं। तो उनका सच में ऐसा बहुत बढ़िया फायदा दिखाई दिया। जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली वो मैं बता रहा हूँ। 96 ईयर्स के साधुओं के भी इतने यंग दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 20 साल के हैं। मैं उनका फोटो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, बौद्धिक शक्ति को बढ़ाता है, चीर काल तक तारुण्य अवस्था को रखता है, युवा मतलब यौवन को टिकाए रखता है। इसको रोज सुबह 2 चम्मच खाना चाहिए। चरक संहिता में तो बोला है कि 45 ग्राम तक भूखे पेट लें, लेकिन ये ग्रंथ में जो वृद्ध वैद्य लोग हैं वो बोलते हैं 2 बड़ा चम्मच सुबह रसायन काल में सेवन करें, वो सफिशियंट है। दूसरा ये बताया है कि इसका नियम है कि धात्री रसायन खाने के बाद 1-2 घंटा तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, उसी टाइम पे आप कुछ खा लीजिए, लेकिन 1-2 घंटा कुछ नहीं खाना है, जब तक ये पच नहीं जाता है। पच जाने के बाद फिर उसके बाद दूध या पानी वगैरह जो हमें लेना है वो लें। दूसरा क्या है कि यह रसायन काल में लेने से ही, क्योंकि रसायन है तो सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले या 4 बजे अगर ले लिया जाए तो इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। धात्री रसायन का प्रयोग करने से मैंने इसे देखा है कि लोगों का चश्मा उतर जाता है, बाल सफेद हो रहे हैं तो बाल काले हो जाते हैं, और जितनी भी व्याधियां हैं, बड़ी बड़ी व्याधियां हैं, एसएलई डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, बहुत सारे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज है, अल्जाइमर्स है, पार्किंसन है, बहुत बड़ी बड़ी असाध्य व्याधियां जो डिजेनरेटिव चेंजेस लेके आती हैं, उन सब में यह धात्री रसायन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अगर, हाँ, अब ये कॉन्ट्राइंडिकेशन किसको है, तो जिनको डायबिटीज है उनको ये नहीं देना है, क्योंकि ये चीनी के पाक में बनाए। अगर चीनी का मतलब वो डायबिटीज का बीमारी है तो आप आंवला का सेवन कराइए बस, लेकिन मीठा नहीं देना है, नहीं तो ये नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरह से इस पे बहुत सारा रिसर्च पेपर्स भी है धात्री रसायन पे। आप लोग गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर देखिए, धात्री रसायन पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। और ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए में जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, और ऑस्ट्रेलिया में भी अपना आयुर्वेद का यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी धात्री रसायन पे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए हैं। उन्होंने 5-5 हजार लोगों को दिया और इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि उनका इम्यूनिटी बढ़ गया, व्याधि ग्रस्त लोगों को दिया, सबको दिया, बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो वो अंग्रेज लोग हमारा सब संस्कृति अपना रहे हैं, वो लोग ये खा रहे हैं, लेकिन हमारे हमारे इंडियन लोगों को मालूम ही नहीं है कि धात्री रसायन, वो तो ये खाएंगे रिवाइटल खाएंगे, फिर ये खाएंगे बॉर्नविटा खाएंगे, बच्चों को ये देंगे मैगी देंगे, मतलब कृत्रिम चीजें ज्यादा दी जा रही है। लेकिन जो हम अपना रसायन है वो अगर बचपन से दे दिया जाए तो बच्चों को कितना अच्छा फायदा होगा। और इसी तरह से च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, शतावरी कल्प अच्छा है, बादाम का कल्प अच्छा है, अश्वगंधा पाक अच्छा है, कुष्मांड पाक बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या है कि धात्री रसायन जो है ना, इस पर एक रिसर्च भी हुआ था कि जब घोड़ों का रेसिंग कराते थे पुणे में, जो यहाँ पे रेस कोर्स है, मतलब वहां पर भी है जो है ना, मुंबई में भी है महालक्ष्मी रेस कोर्स और पुणे में भी है, तो यहाँ पे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो है ना ओनर जो पुणे वाला जी हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाया था, तो वो भी बहुत ऐसे बैट लगाते हैं, घोड़ों का रेसिंग कराते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे, एक कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
पुणे के मतलब महाराष्ट्र के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो आयुर्वेद से बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने क्या किया कि घोड़ों का रेसिंग होने वाला था ना, तो उन्होंने धात्री रसायन एक अपने जो घोड़ा था जिसपे वो बेट लगाने वाले थे उसको खिला दिया 100 किलो, मतलब एक दिन में नहीं धीरे धीरे खिला दिया। और फिर उन क्योंकि क्या है घोड़ों का जो होता है ना डोप टेस्ट, डोपिंग का टेस्ट होता है कि स्टेरॉयड वगैरह नहीं देना है, उन्होंने केवल धात्री रसायन खिलाया और फिर रेसिंग कराया तो उनका घोड़ा जीता और उनने करोड़ों रुपए कमाए। वो जो रेसिंग होता है रेस कोर्स में, तो इसका मतलब ऐसा अनुभव होता है। और वो फिर पेपर में भी आया था लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता हूँ यहाँ पर। तो धात्री रसायन का जब घोड़ों पे इतना अच्छा फायदा होता है, मनुष्यों पे होता है, लेकिन हम इंडियन लोगों को हम लोग भूल चुके हैं क्योंकि बीच में मुस्लिम आक्रमण हुए, बहुत सारे लोग आए और अंग्रेज आए, पोर्तुगीज आए, फ्रांसीसी आए, तो आयुर्वेद को पूरी तरह से नष्ट किया गया और एलोपैथी साइंस को प्रस्थापित कर दिया गया। तो हम बहुत सारे लोग भूल चुके हैं और आयुर्वेदिक वैद्य लोगों को भी कोई ये बताता नहीं है। हम पढ़ते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है कि धात्री रसायन इतना बढ़िया है और शारीरिक मानसिक बौद्धिक तंदुरुस्ती को बढ़ा देता है और अपने इंद्रियों को अच्छा रखता है और यह माँ के नाम पे रखा है धात्री रसायन। तो इसीलिए इसको मतलब जैसे हम माँ पे पूरा विश्वास करते हैं कि माँ हमारा कभी भी अनिष्ट नहीं करेगी, बुरा नहीं करेंगी, इसलिए धात्री रसायन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसको 1 साल तक रखें तो ये अच्छा पोटेंट रहता है, मतलब अच्छा गुणवत्ता वाला रहता है। अगर आप प्रिजर्वेटिव डालें तो ये ज्यादा दिन तक भी टिक सकता है, एयर टाइट कंटेनर में रखें तो बहुत अच्छा रहता है। अब आप लोग बताइए धात्री रसायन का प्रयोग आप लोगों ने किया है क्या कभी? आदित्य सर आपने किया है धात्री रसायन का प्रयोग? अगर नहीं किया है तो आप लोग करिएगा। आशा मैम आप बताइए, किसी ने धात्री रसायन का प्रयोग किया है? जी नमस्ते, प्रणाम सभी को। हाँ सर, धात्री रसायन तो मेरे लिए बहुत, मतलब मैं अपने खुद के बच्चों के लिए भी यूज करती हूँ, और ज्यादातर जो भी पेशेंट आते हैं ओल्ड एज के, उनको मैं हमेशा ये प्रिफर करती हूँ देना। क्योंकि सर, जो जरावस्था जन्य जितने भी व्याधि हैं, उसमें आप कितना भी आम का पचन कर ले, उनके लिए कितना भी, मतलब और किसी भी, मतलब स्वर्ण वाले तो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होते हैं, तो वैसे केसेस में धात्री रसायन हमेशा से चलाती हूँ। काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है सर। कितना मात्रा में देती हैं आप? सर, वो एज के हिसाब से, अगर उनकी मतलब पचाने की क्षमता है तो 2 चम्मच, नहीं तो फिर 1 चम्मच सुबह अच्छा खाली पेट। अच्छा बच्चों में तो सर 1 से 1.5 चम्मच उनकी एज के हिसाब से। अच्छा भी लगता है, मेरे बच्चे तो बहुत खुशी खुशी खाते हैं। अच्छा जी थैंक यू सर। और क्या इम्प्रूवमेंट आपको दिखा मैम जब धात्री रसायन दे रही है, तो क्या कुछ अलग दिखा आपको? सर जैसे मैं ना ये आस्था का यूज करती हूँ, सूरत वाला, तो पहले तो 2-3 कंपनी का यूज किया तो उसका टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये अभी उनको अच्छा लग रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन का मेरे बेटे को बहुत इश्यू रहता था, बड़े वाले को, तो अभी उसका ठीक है, मतलब इतना नहीं है। बाकी अच्छा है, इम्यूनिटी भी अच्छी है, जो सीजनल चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं उससे कभी कभी हो जाता है इफेक्टेड, बाकी तो ठीक है। मतलब ऐसे टचुड़ के इतना, मतलब सीवियर कभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा ऐसा छोटे वाले को नहीं है। बड़े वाले को भी अभी, मतलब कितना, ये 16 इयर्स का हुआ, उसके बाद पहली बार उसको हॉस्पिटलाइज किया, वो जी, एब्सेस हुआ था ना, अम्बेलिकल एब्सेस, उसकी वजह से। बाकी ठीक है, ओवरऑल उनका हेल्थ अच्छा रहता है। जी जी सर। थैंक यू मैम। और किसी ने यूज किया है धात्री रसायन का? अगर किया है तो कृपया बताइए। डॉक्टर मिनल मैम, वर्षा कौशिक मैम, किसी ने यूज किया है? प्रणाम सर। हाँ मैम बताइए। हाँ सर, धात्री रसायन का प्रयोग हम लोगों की प्रैक्टिस में होता ही रहता है, और तब अमलकी का जो इसमें इतना परसेंटेज है, इसके कारण मैं इसको सर हेयर ग्रोथ के पेशेंट्स में भी देती हूँ, अम्लपित्त के पेशेंट्स को भी देती हूँ। मतलब मेरा उसमें भी एक ये इंग्रेडिएंट्स रहता है हमेशा, जैसे मैम ने बताया ओल्ड एज पेशेंट में जहाँ भी इम्यूनिटी बूस्ट करना है वहां तो रहता ही है। उसके अलावा मैं केश वृद्धि वाले और जो भी मेरा अम्लपित्त पेशेंट आता है उनको मैं जरूर देती हूँ। ठीक है मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, मंदाकिनी मैम, वर्षा मैम, किसी ने यूज किया है धात्री रसायन? नहीं सर, मैंने नहीं किया। क्यों क्यों, आप इतनी इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, आपको तो करना चाहिए। सर मतलब च्यवनप्राश से ही काम चल जा रहा था, तो जरूरत ही नहीं पड़ी सर इसकी। आप देखते हैं सर, जरूर करेंगे हम। ठीक है ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? गीता पटेल मैम, आपने यूज किया है धात्री रसायन? विनीता चौहान मैम,
या आंवले का कोई प्रोडक्ट और यूज किया होगा आप लोगों ने, वो बता दीजिए, आंवले का ही बस बात कर लीजिए। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ सर, सोमला कंपाउंड किया है यू च्यवनप्राश के उसका अलावा। क्या, उसका क्या रिजल्ट है बताइए। सर रिजल्ट तो अच्छा आया है, जैसे दो बच्चों को दिया था, उन बच्चों में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली सर्दी खांसी होती रहती थी, और उनके मतलब घर वाले सिर्फ इसीलिए परेशान थे कि हर हफ्ते इनको एंटीबायोटिक चेंज कर करके देनी पड़ती है। तो जब से सोमला स्टार्ट किया तो उस बीमारी नहीं पड़ा वो बच्चा, सर्दी वर्दी कुछ नहीं हुई। जी सर, ये कुछ कंपनियों का आमल की रसायन करके भी आता है ना, आमल की रसायन और धातु रसायन, हाँ ये आमल की रसायन के नाम से भी आता है। हाँ बराबर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? परमिंदर मैम, आपने आंवले का कुछ प्रोडक्ट यूज किया है क्या? आशा गुप्ता मैम कुछ बताइए, शशि रेखा मैम कुछ बताइए, बताना चाहते हैं तो बताइए, जबरदस्ती नहीं है। सुनीता मैम आप बताइए। सर नमस्ते सर, अगर बच्चों को धात्री रसायन मुझे अपने बच्चों को स्टार्ट करना हो तो उसकी डोज कैसे करूंगी? बच्चे कितना खा पाते हैं? अब सोमला है तो बच्चे 1 चम्मच आराम से खा पाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी ठीक है, और किसी ने यूज किया है? आंवला क्या हम बच्चों में दे सकते हैं क्या सर, जिनको एलर्जिक काइंड ऑफ सिम्टम्स रहते हैं, लाइक मॉर्निंग स्नीजिंग, वॉटरी हाँ रनिंग हाँ नोज रहता है? हाँ स्वामला सर, हाँ 1 चम्मच सुबह शाम या 1 चम्मच एक दिन के लिए? 1 चम्मच सुबह शाम भी दे सकते हैं। सुबह शाम भी ओके दे या सर, रसायन थैंक काल यू। में? सर अब मुझे ये पूछना था कि मतलब हाँ जैसे शुरू में, मतलब मैं बचपन से देख के आई हूँ, मेरे घर में आंवला का सेवन होता था, मेरे फादर और मेरी मेरे फादर ही करते थे आंवला का, हाँ तो मेरे उन्होंने मेरी मम्मी को बोला करने के लिए, वो खाली पेट ले लेते हैं वो आंवला पतंजलि वाला, पर मेरी मम्मी जब उसको लेती है ना तो उनको चक्कर आने लगते हैं, तो क्यों सर ऐसा क्यों होता है? मतलब क्यों, कुछ क्या पता, साइकोलॉजिकल होगा कुछ? हाँ जैसे ही वो आंवला का रस एक दिन दो दिन लेंगी अचानक से ना उनको घबराहट बेचैनी और चक्कर आने लगेगा, फिर वो बंद कर देती हैं। तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा हो सकता है शायद कि वो मतलब जैसे कि पचने में थोड़ा सा कठोर होता है, स्वरसी तो है ये, बस बोलो थोड़ा सा केमिकली तो मिलाते हैं, तो इस वजह से तो वो मेरी मम्मी नहीं ले पाती है आंवला स्वरस। मैम उसमें ना थोड़ा सा आप काला नमक और पुदीने का रस डाल के दीजिए, और थोड़ी सी शर्करा या जो साकर रहती है ना वो डाल के दीजिए, क्योंकि किसी किसी की प्रकृति ऐसी रहती है तो उसमें डायरेक्ट आंवला का रस ना ये उद्वेग पैदा करता है, तो उसमें ऐसे करके दीजिए। मैं अपने पेशेंट्स में, काफी पेशेंट्स में कभी कभी ऐसा होता है ना तो ये बताती हूँ, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा जिंजर भी छिलके, मतलब एक आध दो स्लाइस करके या फिर आधा चम्मच जिंजर का रस मिला के दे दीजिए, जो शुगर भी चेक कर ज्यादातर लीजिए, शुगर भी चेक कर लीजिए। नहीं, वो उनका सब कुछ सही है, उनको आंवला से अगर ये खाने के बाद ही लेंगी ना तो नहीं प्रॉब्लम है, चटनी खाती हाँ हैं सब कुछ खाली खाती पेट हैं, होने से होता पर है। वो हाँ खाली पेट सुबह ले लेती हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं तो मे भी वो, मैम मतलब मृदुकोष्ठ होगा, मृदुकोष्ठ ही होंगे हाँ ना, तो उसमें ऐसा हाँ रहता है कि खाली पेट कुछ भी लेने से, मतलब जो आंवला होता तो ये अपना क्या बोलते हैं इसको, कषाय रस के रस। हिसाब से कषाय रस है ना, तो इसकी वजह से शायद होगा। जी ठीक, थैंक यू। शर्करा मिला के और थोड़ा सा काला नमक मिला के दीजिए, इजीली हो जाएगा डाइजेस्ट। ठीक है, और किसी ने यूज किया है तो कुछ बताइए अपना अनुभव। मंगला मैम आपने तो बहुत यूज किया होगा अपने प्रैक्टिस में। गंगवार सर, सुनीता मैम कुछ बताइए प्लीज। सुनीता सर मेरे, मैम सर हाँ जी सर, हाँ मेरे ना एक प्रोफेसर थे रस शास्त्र के, तो हाँ सर उनको ना योग बहुत पसंद था, तो बाद में ना वो योगा मतलब उसी स्ट्रीम में चले गए थे, तो जब वो हमें पढ़ाने आए थे ना सर, वो राउंड अबाउट 6 फीट के थे और उनका वेट था 110 kg, तो जैसे जैसे उनका थोड़ा योगा में इंटरेस्ट हुआ तो उन्होंने प्राणायाम वगैरह करना स्टार्ट करा, और फिर मतलब सर को ये था कि मेरा वेट लॉस हो जाए, तो राउंड अबाउट वो उस टाइम पे 45 ईयर्स होंगे, हम यंग थे, तो सर ने साथ में ना धात्री रसायन लेना स्टार्ट करा और योगा करना स्टार्ट करा, और सर 6 मंथ्स में मतलब उन्होंने बहुत वेट लूज कर लिया, और सर वो देखने में बहुत यंग लगते थे, फिर उनकी मूंछे मूंछे भी जिसमें वो वाइट वाइट से बाल थे वो सारी भी सेटल हो गई, और सर के बाल भी थोड़े से डेंस हो गए क्योंकि उनको आगे की तरफ ना थोड़ा सा था फ्रंटल बैल्डनेस,
तो अभी तो वो प्रॉपर योगा में ही है। तो तब वो बात करते होते थे क्योंकि उन्होंने हमें धात्री रसायन उस टाइम पढ़ाई थी, उसका श्लोक भी याद कराया था। तो वो कहते होते थे कि मैं धात्री रसायन खाता हूँ रोज एक एक चम्मच। और सर उनके चेहरे पे मतलब वो एक ही ऐसे प्रोफेसर थे, ऐसे ओज होता था कि मतलब दूर से ऐसे देखने में लगते होते थे कि चमक रहे हैं वो सर। अच्छा ये मुझे इतना, हाँ जी सर, उनका नाम भी डॉक्टर चंद्रभान शर्मा, वो राजस्थान से थे। तो सर मतलब इतना था वो, मतलब अब प्रोफेसर्स में भी ऐसे बैठे हुए होते थे तो अलग से दिखते होते थे। हाँ अच्छा जी। सर, और रिलीजियस सर फैकल्टियों में देने के लिए इसमें कुछ अनुपान का चेंज करना होगा या फिर वो भी वहां भी सादे पानी से ही इसको दिया जाएगा, जैसे कि हम दूध के साथ दे सकते हैं ना, दूध के साथ, गुलकंद के साथ, अगर धात्री रसायन है तो दूध के साथ ही दिया जाता है। दूध और जी आंवला का विरुद्ध नहीं होता है वो, मतलब साथ में होता है, पथ्यकारी सर, होता है। जैसे कि हम जहां पर इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए या फिर बॉडी बिल्डअप के लिए दे रहे हैं वहां दूध के संग दे, और अगर हम उनको मेदस्वी व्यक्तियों में मेद कम करने के लिए दे रहे हैं तो वहां पर अनुपान यही रहेगा या फिर वहां वो बदलना गर्म पानी होगा? के साथ दे सकते हैं, कोष्ण जल हाँ वही पूछ रही है सर। जी। दूध तो जीवनीय है, और लेकिन वो ग्रहण करता है, वेट बढ़ा सकता है। आजकल कैसा है ना कि डेयरी का बिजनेस इतना महाराष्ट्र में बढ़ गया है ना, गली गली में दूध वाले आ गए हैं। उतनी गाय नहीं है लेकिन वो आता कहाँ से, और मेडिकल के शॉप इतने खुल गए, और मिठाई की दुकानें, खाने पीने की दवाएं, सब चीजें जो दुकानें खाने पीने का, वो इतना बढ़ गया है। तो मेन बात है कि डेयरी का इतना बिजनेस कैसे हो रहा है, दूध जो आ रहा है वो किस क्वालिटी का, क्या आ रहा है पता नहीं। गाय बढ़ गई है क्या, भैंस बढ़ गई है क्या, फिर दूध आ कैसे रहा है, डेयरी का बिजनेस बढ़ कैसे रहा है पता नहीं। सर अडल्ट्रेशन ही है इतनी दूध में तो पता हाँ वही तो ही नहीं चलता है। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? श्रद्धा मैम, आपने आंवला का यूज किया है कभी? श्रद्धा मैम बिजी है। ठीक है, सर हम मुझे सर। कार खरीदनी थी, कौन हाँ हाँ बताइए। सी कंपनी का आता है बने बनाया? अब वो कंपनी का तो ये लोग बताएंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं खुद बनवा के लेता हूँ तो वो मेरा अच्छा आता है। कंपनी का ये लोग बताएंगे। किसी ने यूज किया है क्या दूसरे कंपनी का? अच्छा मैम कालेडा का यूज करती हूँ मैं, कृष्ण गोपाल कालेडा, राजस्थान की कंपनी है। अच्छा ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है प्रणाम विकास। सर। हाँ जी बोलिए सर। सर मुझे ये पूछना था, आपने कुछ दिन पहले भल्लातक रसायन के बारे में पढ़ाया था, वो हाँ सर। आपने उष्ण वीर्य बताया था और ये शीत वीर्य है, फिर भी सर हाँ कहाँ पे किसको यूज करना चाहिए डिफरेंशियल में? अभी ये शीत विर्यात्मक है, अभी वो कैसे भल्लातक रसायन जो पित्त प्रकृति वालों को हम नहीं देते हैं ज्यादातर, उष्ण है, कटु कटु उष्ण रहते हैं, और ये तो सभी के लिए साथ में है ना, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि धात्री रसायन इसको नहीं देना है, उसको नहीं देना, पर डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना क्योंकि चीनी में बना है, लेकिन भल्लातक रसायन देने टाइम, और वो भल्लातक अमृत भल्लातक पड़ा था, अमृत जी भल्लातक रसायन वो अवेलेबल भी नहीं रहते, वो स्पेशल बनवाना पड़ता है, और वो कुटी प्रावेशिक रसायन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है हमारा, ये हम लोग जो वातातपिक रसायन है, मतलब नॉर्मल रूटीन में हम लोग इसको कभी भी यूज करते हैं, कुटी प्रावेशी करे तो वो अच्छा है, लेकिन अमृत भल्लातक रसायन के लिए स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ता है, वो बहुत ही मतलब प्रिकॉशन से, नहीं तो वो हीट बढ़ाता है बॉडी में, बहुत गर्मी बढ़ाता है। थैंक जी यू सर। जी थैंक यू। ठीक है, अभी मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा आज का और कल का, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण का, तो आप लोग भी इसको बनाने का कोशिश करिए, बहुत ही इजीली बन जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, एक दिन में बन जाता है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, और फिर हम लोग 8:15 पे मिलेंगे, और आदित्य सर आप अपने दोनों पेशेंट को फॉलोअप के लिए लाइएगा सर। आदित्य सर अरविंद हाँ जी सर, बोलिए। अरविंद सर एक रिक्वेस्ट थी, वो हाँ जो सुबह का ग्रहणी का हम चला रहे थे ना, माधव निदान का, उसकी हाँ टीका का पीडीएफ सर प्लीज हो तो शेयर कर दीजिएगा ना मेल आईडी सब लोग डालिए, अभी अभी मैं सबको डाल देता हूँ, मेल आईडी ग्रुप में अभी। डालिए, ओके सब लोग ग्रुप में डालिए जी सर, ओके थैंक यू सर। जी। और फिर क्या है ना, हमारा सेशन शुरू होगा आज, वो नवरात्रि का शुरुआत था ना, तो आज इसलिए ब्रेक किया, कल से जी मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से कोई शुरू हो जाए। ठीक बात नहीं सर, जब लाता हूँ ऐसा। दोनों पे। है, तो आप जिनको जिनको चाहिए पीडीएफ वो डालिए आप मेल आईडी ग्रुप में, मैं डालता हूँ अभी, सर मतलब ग्रुप में डालें कि आपको पर्सनली? सर आप कैसे भी मिर्जे मेल आईडी दीजिए, आपको मिल जाएगा 2 मिनट। मैं पर्सनली कर दूंगी ना। ठीक ठीक है है, ठीक है, ओके थैंक थैंक यू यू, सर। शुभ रात्रि, गुड नाइट, अभी हम 8:15 पे फिर मिलेंगे। ठीक है, मैं बंद करता हूँ।
एक मिनट ये बंद करता हूँ।